मौजूदा स्वास्थ्य हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। इस बीच सरकार आम लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए हर संभव कोशिशें कर रही है ताकि संपूर्ण बंदी के समय में लोगों को घरों में रहने में कोई परेशानी ना हो और लोग घरों से बाहर ना निकलें। रिपोर्ट देखिए। मौजूदा स्वास्थ्य हालात के मद्देनजर सरकार जनता से सहयोग मांग रही है, तमाम जतन कर रही है ताकि लोग घरों में रहें, बाहर न निकलें और संक्रमण न फैले। लोग घरों में रहें इसके लिए टीवी पर पुराने सीरियल तक शुरू कर दिए गए और इसी बीच सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है। खबर है कि सरकार ने बिजली कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि लोगों को 24 घंटे बिजली मिलने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि लोगों को घरों में किसी तरह की परेशानी न हो। लोगों तक 24 घंटे बिजली की सुविधा पहुँचाने के लिए विद्युत मंत्रालय ने बिजली वितरण कंपनियों को भुगतान मानदंडों में ढील दी है। मंत्रालय ने NTPC और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से कहा है जिन बिजली वितरण कंपनियों पर बकाया है उनसे फिलहाल पेमेंट ना ली जाए। 24 घंटे बिजली की व्यवस्था के अलावा संक्रमण के चलते बिलों के लेट भुगतान पर लगने वाले चार्ज को भी नहीं लिया जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन बिजली वितरण कंपनियों से लेट सरचार्ज नहीं वसूलेगी, लिहाजा बिजली वितरण कंपनियां ग्राहकों से लेट बिल भुगतान पर कोई सरचार्ज नहीं लेंगी। बिजली की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वितरण कंपनियों को उत्पादक कंपनियों के भुगतान में 3 महीने की मोहलत देने समेत उनकी मदद करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। बिजली खरीद के लिए अनिवार्य भुगतान सुरक्षा राशि घटाकर 50% कर दी गई है। DP लाइव की रिपोर्ट।